सोमवार को गाजीपुर के मरदह क्षेत्र के नसरुद्दीनपुर गांव में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने से हड़कंप मच गया है। ये गाजीपुर में एक के बाद दूसरा पॉजिटिव केस है। अब जिले में कुल 2 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने मौके पर पहुंच उस व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को एम्बुलेंस द्वारा गाजीपुर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना मरीज के परिवार के 8 लोगों को तथा पड़ोस के 11 लोगों को जांच के लिए गाजीपुर के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया है, जहां उनकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पॉजिटिव पाए गए मरीज को वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल में आगे के इलाज के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पूरे गाँव को फायर ब्रिगेड के कर्मियों द्वारा अच्छे से सैनिटाइज किया गया है, साथ ही गाँव को चारों ओर से सील कर दिया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्य, एसडीएम प्रभाष कुमार, अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।